गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम देखेंगे विज्ञान के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के सेट में। आज के सेट में टोटल हम 30 प्रश्न देखेंगे। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि आप कितने साइंस का क्वेश्चन कर सकते हैं, 30 प्रश्न में सब कितने कर सकते हैं आप एक बार जरूर देखेंगे। और साथ साथ पीडीएफ या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक दिया रहेगा। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको अनुभव होगा कि आप कितने क्वेश्चन का सेट कर सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, लेजर के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताना है कि लेजर के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है, लेजर एक यंत्र है जो प्रकाशिक प्रवर्धन की प्रक्रिया से प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेजर बीम उच्च विकिरण प्राप्त करते समय छोटे विकिरणों पर कार्य कर सकता है। उत्सर्जित लेजर प्रकाश इसकी उच्च स्तरीय प्रसारक शक्ति के लिए उल्लेखनीय है, जो अन्य तकनीक में असंभव है। यह इनमें से कोई नहीं, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जित लेजर प्रकाश इसकी उच्च स्तरीय प्रसारक शक्ति के लिए उल्लेखनीय है, जो अन तकनीक में असंभव। ये ध्यान रखें, लेजर के बारे में ये कथन जो सी नंबर ऑप्शन है ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या होता है? जो टेनिस की गेंद होता है समतल की जगह पर ऊंची चोटियों पर अधिक उछलता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है, कम घनत्व वायु के कारण, जहाँ कम घनत्व वायु के कारण से ये जो टेनिस की गेंद है ऊंची चोटियों पर अधिक उछलता है। यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगर जो नए होंगे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपका मतलब कि 30 में कितना क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारत का पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहला आर्यभट्ट कब छोड़ा गया है, ये भी एकदम क्वेश्चन है कि यहाँ बताना है कि भारत का आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, कब छोड़ा गया था भारत का आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना, 1975 में। यानी कि 1975 में भारत का पहला आर्यभट्ट छोड़ा गया था, कब, 1975 में। ध्यान आप रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिख दिया है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में छोड़ा गया था। कहाँ, रूसी अंतरिक्ष स्टेशन में छोड़ा गया था भारत का पहला उपग्रह जो कि आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेद होती है, क्योंकि, यह बताना है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस क्या होता है, गैस अधिक, गैस जो होता है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, जो गैस होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। एक नक्षत्र रंग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, एक नक्षत्र जो रंग होता है किस पर निर्भर करता है, नक्षत्र रंग, ये सबके लिए एक ही आंसर है इसका, पृष्ठीय ताप पर, पृष्ठीय ताप पर नक्षत्र रंग निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। सिक्स क्या है, सिक्स क्या है यहाँ पे, किसी मनुष्य के लिए स्वस्थ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ हवा कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, 1000 घन फीट जो होता है प्रत्येक 10 सेकंड में स्वस्थ हवा मनुष्य के लिए आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? यहाँ बताना है, प्रकाश वोल्टीय सेल के उपयोग से प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है, यहाँ बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताना है किसका उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, किसका, वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है, किस पर, तो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फ्रेंड प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। नाइन क्या है, निम्न में से कौन सा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जिसके सामने रखी जाएगी, यानी कौन सा इसमें है जो कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण की जो कि इसकी छोटी छवि बनाएगा उसके सामने रखा जाएगा, वस्तु की छोटी बनाएगा, कौन सी दर्पण है? तो इसमें क्या है, उत्तल उत्तल दर्पण जो है
ये छोटी बनाता है, क्या उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। तार केबिलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या होता है। सबसे सशक्त बल क्या है प्रकृति में, तो नाभिकीय बल है क्या, नाभिकीय बल जो सबसे सशक्त बल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परवलीय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है परवलीय दर्पण का प्रयोग, तो कार के हेडलाइट के रूप में, जो कार के हेडलाइट होता है उसमें परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कहाँ, कार के हेडलाइट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 देखते हैं, लेंस किससे बना होता है, बताना है यहाँ पे लेंस किससे बना होता है। ऑप्शन है पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कुबाल्ट कांच। लेंस किससे बना होता है, किससे बना होता है, तो फ्लिंट कांच से लेंस बना होता है। किसे, फ्लिंट कांच से लेंस बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। इसका सिंपल कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षित रहते हैं। किस कारण का हीरा जो होता है जगमगाता है, किस, बहुलित यानी कि आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जगमगाता है और आकर्षक होता है, क्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि लैम्पट नियम किसे संबंधित, लैम्पट जो नियम होता है किसे संबंधित होता है, लैम्बर्ट नियम किसे संबंधित होता है, लैम्बर्ट किसे संबंधित होता है यहाँ बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति से, प्रदीप्ति से जो होता है ये लैम्बर्ट नियम संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बताना है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 30 सेकेंड, ये सही बात है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुँच पाता, तो ओजन के कारण, ओजन के कारण जो सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश के किरण होता है वो पृथ्वी के सतह पर नहीं पहुँच पाता, किस कारण, ओजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, 90 क्या है, तारों का टिमटिमाना, तारों क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है, किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होता है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉन्सिंग ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, तो फ्रेंड आज के लिए क्वेश्चन इतना ही, आपका क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, और साथ साथ पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।